नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। कांग्रेस के विधायक केआर रमेश ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी कर दी है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर के सामने कहा कि जब आप रेप को नहीं रोक सकते तो लेटिए और मजे लीजिए। इसके बाद कांग्रेस की महिला विधायकों ने उनसे माफी मांगने को कहा। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए। हैरानी वाली बात यह है कि विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागरी आपत्ति जताने की बजाय इस पर ठहाके लगा रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक में आई बाढ़ और उससे फसलों को हुए नुकसान को लेकर विधायक चर्चा और बहस की मांग कर रहे थे। विधानसभा में इसे लेकर जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने विधायकों को समझाने की कोशिश की लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर हेगड़े ने कहा कि रमेश कुमार, आप जानते हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्थिति को एंजॉय करना चाहिए। मैंने तय किया है कि अब किसी को भी रोकने और स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करूंगा, आप लोग चर्चा करिए। इस पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने कहा कि एक पुरानी कहावत है कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सके तो लेटिए और मजे लीजिए। अभी आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। अब रमेश कुमार इस विवादित टिप्पणी पर बुरी तरह घिर गए हैं। उनकी ही पार्टी की महिला विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि सदन में महिलाओं से माफी मांगने की बात है। एक और कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने भी कहा कि ये ठीक नहीं, माफी मांगने की जरूरत है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।